सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये देखिए, कल मैं शाम 7 बजे लाइव आया था जिसमें कि दोस्तों 18,000 लोगों ने मुझसे सवाल पूछे बाइक से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, कि भाई कौन सी बाइक लें, बहुत सारे सवाल थे आपके कि भाई फलाने बाइक की मतलब क्या कीमत है, क्या प्राइस है, कितना डाउन पेमेंट करेंगे। सभी सवालों के जवाब दोस्तों इस लाइव स्ट्रीम में मैंने दिया है और आज शाम फिर हम लाइव आने वाले हैं TVS राइडर को लेकर और बहुत सारी बाइक को लेकर, मतलब यानी बहुत सारे सवाल को के जवाब हम शाम लाइव आके देने वाले हैं, तो आप लोग दोस्तों रेडी रहना। और एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई 70,000 पर वीडियो बनाओ, यानी 70,000 हम जमा करेंगे और अपाची लेंगे। ये अपाची के वीडियो में कमेंट्स आया था और भाई का नाम है टोटल कॉमेडी। जी हाँ दोस्तों, टोटल कॉमेडी जी ने यहाँ पे कमेंट किया है, पता नहीं भाई का नाम क्या है लेकिन चैनल का नाम था उसका टोटल कॉमेडी। जिस जीमेल आईडी से उन भाई साहब ने कमेंट्स किया था उसका नाम है टोटल कॉमेडी। प्लीज़ यार, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं टोटल कॉमेडी जी, तो मैंने आपका नाम लिया है, तो आप यार प्लीज़ इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना नाम ज़रूर लिख दें मेरे भाई, ताकि हमें भी पता चले कि भाई आपका नाम क्या है और ऑडियंस को भी पता चले। खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ ऑल न्यू हीरो ग्लैमर एक्सटेक 125 का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस बाइक को, हीरो ग्लैमर का बहुत दिन से मैंने फाइनेंस डिटेल्स नहीं किया था और इंस्टाग्राम में भी आप लोग बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि भाई ग्लैमर को भूल गए क्या, हीरो में एक ग्लैमर भी बाइक है, एक्सटेक बाइक पहले आप वीडियो बनाया करते थे, बट अभी फिलहाल हीरो ग्लैमर एक्सटेक 125 का ये ना रिव्यू वीडियो आ रहा है ना फाइनेंस डिटेल्स वीडियो आ रहा है। तो भाई वहाँ पर मैंने वोटिंग करवाया कि भाई क्या रिव्यू वीडियो आपको चाहिए या फिर फाइनेंस डिटेल्स वीडियो चाहिए, तो भाई बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट्स किया यानी इंस्टाग्राम में कि भाई रिव्यू वीडियो तो हम मतलब देख चुके हैं और बाइक के बारे में ऑलरेडी पहले से जानते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे ये बताओ कि भाई 70 ये डाउन पेमेंट और फाइनेंस डिटेल्स पर वीडियो बनाओ, ठीक है। तो भाई यदि हम ग्लैमर लेंगे और यहाँ पर हम 26,000 जमा करेंगे तो कितना यहाँ पर मंथ की EMI आएगी, यानी अप्रॉक्स 25,000-26,000 हम जमा करेंगे तो यहाँ पर मंथ की EMI यहाँ पर कितना आएगी, और एक साल से लेकर यहाँ पर 3 साल तक का किस्त का स्कीम है, यानी फाइनेंस डिटेल्स पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बाइक फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। भाई फर्स्ट में यहाँ पे आपको आधार कार्ड लग जाएगा, सेकंड में पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भाई वोटर आईडी कार्ड लें, उससे भी आपका यहाँ पे फाइनेंस हो जाएगा। दो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और थर्ड में दोस्तों 6 मंथ की यहाँ पे बैंक पासबुक चाहिए, ठीक है। अगर आपका खाता खुला हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, 6 मंथ कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपका नया खाता भी है तो चल जाएगा, लेकिन 6 मंथ है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि भाई उसमें ATM वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो खैर अभी खाता खुलवाने के लिए जाएंगे तो अभी आपको तुरंत ATM वगैरह दे दिया जाएगा, हालांकि ये कोई मतलब ज़रूरी बात नहीं थी लेकिन मैंने फिर भी बता दिया क्योंकि भाई पहले ऐसा रूल था, अब ऐसा रूल नहीं है कि भाई 6 मंथ तक ही पासबुक चाहिए। तो भाई ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लग जाएगा और जिस बंदे के नाम से बाइक फाइनेंस होगा तो उसका एज 18 साल होना चाहिए कम से कम में, या फिर 18 साल प्लस तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको लेके आ जाना है और 26,000 यहाँ पे आपको लेके आ जाना है, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पे 1 साल से लेकर 3 साल तक का किस्त का स्कीम है। तो भाई बाइक का प्राइस है कितना अभी के टाइम में, भाई हीरो ग्लैमर एक्सटेक बिना डिस्क का जो प्राइस है वो प्राइस है दोस्तों 1,06,000। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों ये बाइक है बिना डिस्क, ठीक है। टायर वगैरह आप जो देख रहे हैं ये सारा चीज़ आप देखेंगे और बिल्कुल बारीकी से फाइनेंस डिटेल्स आप लोग समझिए। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले 1 साल का समझाएंगे, फिर 2 साल का समझाएंगे, फिर 3 साल का समझाएंगे, 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बाइक का प्राइस है दोस्तों 1,06,000, आपने यहाँ पे जमा किया 26,000, आप भाई 1,06,000 को 26 से माइनस कर देंगे यानी 26,000 से, तो भाई कितना पैसा बच जाएगा, 80,000। जी हाँ दोस्तों, 80,000 के यहाँ पे लोन होगा। आप देखिए कोई भी कंपनी हमको लोन मतलब देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, हालांकि दोस्तों यहाँ पे हीरो फिनोकॉर्प से यहाँ पे फाइनेंस होता है, उसके बाद हिंदुजा हो गया है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है, बहुत सारी ऐसी बैंक है, इंडसलैंड बैंक हो गया है और मतलब बजाज फाइनेंसर हो गया है, तो किसी भी कंपनी का बाइक लें, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आपको लोन ऑफर करती है। तो भाई यहाँ पे अभी फ़िलहाल हीरो फिनोकॉर्प से यहाँ पे फाइनेंस होता है। तो भाई यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि भाई बाइक के प्राइस 1,06,000, आपने यहाँ पे जमा किया 26,000, अब भाई 1,06,000 में 26,000 को माइनस कर देंगे तो पैसा बच जाएगा 80,000। अब भाई 80,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है, देखिए प्रोसेसिंग चार्ज क्या है, एक तरह से आप सर्विस चार्ज कह लीजिए। भाई यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज कम से कम यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग चार्ज 3,000 पे करना पड़ेगा। अब भाई प्रोसेसिंग चार्ज जो कि उसी में ऐड है, सर्विस चार्ज जिसको कहते हैं, ठीक है। तो भाई 3,000 प्रोसेसिंग चार्ज उसमें ऐड कर लीजिए तो भाई टोटल पैसा हो गया 83,000। अब भाई 83,000 का यहाँ पे आपको रेट ऑफ़ इंटरेस्ट निकालना है, तो भाई यहाँ पे अभी फिलहाल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो भाई ने भाई यहाँ पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में 1 साल का आप यहाँ पे रेट ऑफ़ इंटरेस्ट निकालेंगे। यदि आप 1 साल का फाइनेंस करवा रहे हैं तो 1 साल का से पहले समझ लीजिए, ठीक है, बिल्कुल बारीकी से आराम से, थोड़ा जल्दी नहीं बोलूँगा, आराम आराम से बोलूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो।
तो भाई यहाँ पे 83,000 का 10% में रेट ऑफ़ इंटरेस्ट निकालेंगे एक साल के लिए, तो भाई यहाँ पे जो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा दोस्तों 8,300 यहाँ पे रेट ऑफ़ इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब भाई 8,300 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, 83,000 से, तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा कितना, 91,300। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 91,300। अब भाई 91,300 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, एक साल से, क्योंकि हम लोग एक साल का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं और एक साल में 12 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 12 से डिवाइड करते हैं 91,300 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 12 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे पर मंथ की जो ईएमआई यहाँ पे निकल के आया है 7,608 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 7,608 रुपये यहाँ पे पर मंथ की ईएमआई यहाँ पे निकल के आया है, कितना दिन के लिए, एक साल के लिए, ठीक है। और एक साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा मेरे भाई, ये भी आप लोग समझ लीजिए। एक साल में एक्स्ट्रा पैसे की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे 8,300 लग गया और 3,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 8 और 3 हो जाता है 11,300 यहाँ पे आपको एक साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। और ईएमआई कितना, 7,608 रुपये। चलिए मेरे भाई अब यहाँ पे दो साल का समझते हैं। जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है कितना, 1,06,000, आपने यहाँ पे जमा किया कितना, 26,000, बचा हुआ अमाउंट कितना रह गया, 80,000। 80,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 3,000, टोटल पैसा हो जाता है भाई 83,000। अब भाई 83,000 का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट दो साल का निकालना है, तो भाई एक साल का कितना था 8,300, दो साल का यहाँ पे हो जाएगा भाई 16,600। भाई 16,600 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, 83,000 से, तो भाई यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा 99,600। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 99,600। भाई 99,600 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 99,600 को हम डिवाइड करेंगे दो साल से, और भाई दो साल में कितने महीने होते हैं, दो साल में मेरे भाई 24 महीने होते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 24 से डिवाइड करते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 99,600 को 24 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की ईएमआई यहाँ पे निकल के आया है 4,150 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 4,150 रुपये यहाँ पर मंथ की ईएमआई यहाँ पे निकल के आया है। और दो साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा यहाँ पे भाई, 16,600 तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 3,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 16,300 हो जाता है 19,600 यहाँ पे आपको दो साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। चलिए मेरे भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए लेके हाँ तीन साल का समझ लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस यहाँ पे कितना, 1,06,000, आपने यहाँ पे जमा किया 26,000, अब भाई कितना पैसा बच गया, 80,000। 80,000 में प्रोसेसिंग चार्ज एड करना है 3,000, टोटल पैसा हो जाता है भाई 83,000। 83,000 में यानी 83,000 का 10% में तीन साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो भाई 8 हो जाता है 24,900 यहाँ पे तीन साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आता है। भाई 24,900 को हम लोग प्लस करने हैं कितना से, 83,000 से, तो भाई यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा 1,07,900। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1,07,900। अब भाई 1,07,900 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, तीन साल से, और भाई तीन साल में कितने महीने होते हैं भाई, तीन साल में 36 महीने होते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 36 से डिवाइड करते हैं 1,07,900 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,07,900 को 36 से डिवाइड करने के बाद पर मंथ की जो यहाँ पे ईएमआई निकल के आया है 2,997 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 2,997 रुपये यहाँ पर मंथ की ईएमआई यहाँ पे निकल के आया है तीन साल वाला में। और तीन साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा मेरे भाई, देखिए 24,900 तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 3,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 2,403 हो जाता है 27,900 यहाँ पे आपको तीन साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। दोस्तों मैंने आपको एक साल का बताया, दो साल का बताया और यहाँ पे तीन साल का बताया। और कुछ अगर आपको पूछना है तो भाई मैं ज़रूर लाइव आऊँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें मेरे भाई, और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हीरो ग्लैमर लेने का प्लान बना रहे हैं। तो भाई आप लोग शाम को रेडी रहना, कोशिश करेंगे शाम को फिर से लाइव आने का। तो भाई ज़रूर आप लोग रेडी रहना, ठीक है, यूट्यूब पर ज़रूर लाइव आऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू और सब्सक्राइब फॉर मोर।